हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और एरर से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि इसमें किस किस का कितना योगदान रहा। तो पहला हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे भास्कर, जिन्होंने न्यूटन और लाइबनीज से पहले गति की अवधारणा दी थी। इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, इनका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। ये चार भाग में, जिसका पहला भाग है बीजगणित, दूसरा ग्रहाध्याय, तीसरा गोलाध्याय और चौथा लीलावती। उसके बाद हमारे जो दूसरे विज्ञान थे गैलीलियो गैलीली, इन्होंने त्वरण की अवधारणा, जड़त्व के नियम की खोज की थी और 1609 में इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था। इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया था वो खुद का या अपने लिए बनाया था, उससे पहले टेलीस्कोप की खोज हो चुकी थी जो कि हॉलैंड में हुई थी। उसके बाद इन्होंने गैसीय थर्मामीटर का आविष्कार किया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसीय थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। उसके बाद देखते हैं आइजैक न्यूटन, जिस साल गैलीलियो मरे थे उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था 1662 में। जो गैलीलियो थे वो आपके वैज्ञानिक थे, जो वो आपके इटली के थे, और जो आइजैक न्यूटन थे वो आपके इंग्लैंड के थे। तो उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए थे। इन्होंने किया था बायनोमिकल थ्योरम इन्होंने दी थी, जिसको हिंदी में गैर पूर्णांक शक्तियों के लिए द्विपद प्रमेय बोलते हैं। पूछा जाता है कि द्विपद प्रमेय किसने दिया था। उसके बाद देखते हैं कलन की शुरुआत इन्होंने की थी, और गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम इन्होंने दिया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था, तो वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसने दिया था, ये भी आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इनकी भी एक बुक प्रकाशित की गई थी, द प्रिंसिपिया और मैथमेटिका। जो हांस केपलर, इन्होंने गति के तीन नियम दिए थे, ग्रहों के गति के तीन नियम दिए थे, और बताया कि जो प्रकाश है दूरबीन में प्रवेश कर सकती है। इन्हें जियोमेट्री ऑप्टिक्स के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं रॉबर्ट हुक आपके, इन्होंने कोशिका शब्द की खोज की थी, और इन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी डिज़ाइन किया था। और कोशिका शब्द की खोज की थी इन्होंने, यहाँ पे मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं आर्किमिडीज का, इन्होंने गुलील का आविष्कार किया था और उत्प्लावक बल का अवधारणा दी थी। ये आपके अभी सिलेबस में भी है, इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं डेनियन बर्नौली, इनको दस बार पुरस्कृत किया गया था फ्रेंच अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। इन्हें गणितीय भौतिकी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड केल्विन, इनका दूसरा नाम है विलियम थॉम्सन। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निरपेक्ष तापमान का आविष्कार किसने किया था, और इन्होंने जो सार्डी कार्नोट के साथ मिलकर थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम भी दिया था। और जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का दूसरे नियम में जो सबसे मेन आदमी थे वो थे आपके रुडोल्फ क्वाल्सिस। इन्होंने आपका थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था और आपका वर्णाधनता से संबंधित सिद्धांत दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं एवोगाड्रो, इन्होंने गैस के अणुओं की द्विपरमाणु प्रकृति की अवधारणा दी थी। उसके बाद देखते हैं मैक्सवेल ने वेग के तापीय वितरण का सूत्र दिया था और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। उसके बाद देखते हैं लुडविग बोल्ट्जमैन, इन्होंने एंट्रोपी व थर्मोडायनेमिक के दूसरे नियम का फॉर्मूला दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको थर्मोडायनेमिक के दूसरे भाग का किसने फॉर्मूला दिया था, तो लुडविग बोल्ट्जमैन होगा। उसके बाद देखते हैं नीड फॉर मेजरमेंट की जरूरत हमें हर जगह पे पड़ती है। किसी भी चीज़ की मात्रा का आकलन करना मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हमें भार, लंबाई, बल, गति, अगर हमें इस प्रकार से कुछ भी मापना हो तो उसका हमें एक यूनिट चाहिए होती है। तो उसके बाद देखते हैं बिना मेजरमेंट के सभी अविस्मरणीय है, और भौतिक मात्रा एक संपत्ति है। ये आपके नोट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक मात्रा क्या है, तो यह एक संपत्ति है। भौतिक मात्रा में आपका क्या क्या होता है, एक इकाई होती है और एक संख्यात्मक मान होता है। उसके बाद देखते हैं यूनिट फॉर मेजरमेंट, जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे, जो मूल मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, जिनके हमारे यूनिट होते हैं। अगर हम लंबाई को मापें तो मीटर में, द्रव्यमान केजी, समय आपका सेकेंड में हो गया, विद्युत धारा आपका एम्पियर में हो गया, ताप आपका केल्विन में, पदार्थ की मात्रा आपका मोल में नापेंगे, और ज्योति तीव्रता को कैंडल में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद देखते हैं जो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट थे, पूरक मात्रक थे, समतल कोण और घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। उसके बाद देखते हैं
जो हमारे विमी सूत्र होगा वो हमारा, अगर हमें कहीं पे मास दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, तो उसका हम लिखेंगे एम, मीटर दिया हुआ तो एल, टाइम दिया हुआ है समय टी, सेकंड दिया है तो टी, कोण लिखा है तो थीटा, और करंट आई है तो कहीं पे एम्पियर दिया हुआ है तो वहाँ पे ए। देखते हैं जो हमारे ड्राइव फॉर्मूले हैं, व्युत्पन्न राशि है, उनके डायमेंशन भी देखेंगे और ऐसा यूनिट भी देखेंगे। जैसे कि हमारा होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हमारी फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो वो होता है मीटर स्क्वायर। तो अभी आपको बताया था कि मीटर जहाँ पे भी लिखा रहेगा वहाँ पे हम एल का यूज़ करेंगे, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, जो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे जो हमारा आयतन है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो एम क्यूब होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब। उसके बाद देखें त्वरण और मंदन, अगर आपको मंदन पूछा जाएगा वहाँ पे भी इसी को करना है, आपको त्वरण लिखा जाएगा तो वहाँ पे भी ये करना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का आपको एल लिखना है और अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम नीचे से अगर ऊपर डालेंगे तो माइनस का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू। अगर हम वेग की बात करें, वेग होता है विस्थापन बट्टा समय, तो और इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो एल टी माइनस वन। इस प्रकार से आप सभी चीज़ों की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी प्रकार एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला होता है आपका बल गुणा विस्थापन, तो और इसका हमारा जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, और शक्ति का होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, बल आघूर्ण का होता है आपका बल गुणा लंबवत दूरी, और ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और यंग प्रत्यास्थ गुणांक का होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो पृष्ठ तनाव है अपना वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, और श्यानता गुणांक एफ अपॉन ए इंटू वेग प्रवणता, और वेग प्रवणता होती है आपकी वेग बट्टा दूरी। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बट्टा आवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसका गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, और स्थिति ऊर्जा एम जी एच। जहाँ पे आपका डायमेंशन निकालना है वहाँ पे अगर आपके अंक में कुछ दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, हाफ दिया हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना, आपको एम और वी से डायमेंशन फॉर्म में निकाल देना है। और उसका कोणीय विस्थापन होता है आपका चाप बट्टा त्रिज्या। उसके बाद देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मापक उपकरण है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बहुत चर्चा की थी, बहुतों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज सिर्फ यहाँ पे 15 हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है आपका अल्टीमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई निकालने के लिए। अमीटर का यूज़ करना किया जाता है धारा ज्ञात करने के लिए। एरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायु और गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए। एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है आपका वायु की गति और शक्ति की ज्ञात करने के लिए। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब नापता है, और क्रायोमीटर आपका निम्न ताप नापता है, पायरोमीटर उच्च ताप नापता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे बनता है और ये क्या मापता है ये पूछा जाता है, और पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। हाइड्रोमीटर आपका सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता, और फैदोमीटर आपका समुद्र की गहराई, इलेक्ट्रोमीटर द्रुत, ये तो आपको पता होगा, टैकोमीटर चक्रण की गति, सिस्मोग्राफ होता है आपका भूकंपी तरंगों की तीव्रता, और रिएक्टर स्केल होता है आपका भूकंप की तीव्रता, ये भी आपसे पूछा जाता है। वेंचुरीमीटर होता है द्रवों की प्रवाह की गति नापने के लिए। उसके बाद देखेंगे एरर इन मेजरमेंट, इससे पहले कुछ परिभाषाएं देखते हैं। विभेदन क्षमता क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, वह वैल्यू जो कोई भी स्केल हो उसकी मिनिमम वैल्यू जो माप सकता है, तो उसको हम अल्पतम या न्यूनतम पाठ्यांक विभेदन क्षमता बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं यथार्थता, यथार्थता होती है आपकी एक्यूरेसी, जो हमारा मापित मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट होगा वो उसकी एक्यूरेसी होगी। जो मापित मान के, जो वास्तविक मान मापित मान के जितने नज़दीक होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मतलब जैसे कि 10 अगर हमारा वास्तविक मान है तो मापित मान अगर हमारा 9 है और 1 हमारा 9.5 है, तो 9.5 हमारा ज़्यादा एक्यूरेसी वाला होगा। उसके बाद देखते हैं परिशुद्धता, प्रिसीजन, इसमें क्या होता है हम एक से ज़्यादा बार किसी माप को लेते हैं, जैसे हमने 5 बार किसी माप को लिया, और जो उसमें जितने बार ज़्यादा आता है चाहे वो सही आ रहा हो गलत आ रहा हो हम उसी को सही मान के चलते हैं। तो उसके बाद देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ये 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया हुआ है एरर को, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ मतलब रैंडम एरर, और अल्पतमांक लिस्ट काउंट एरर। जो आपके सिस्टमेटिक एरर हैं वो 3 टाइप से होते हैं, यंत्रगत होते हैं, इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, जो अगर इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे आपका गलत दिखाएगा। उसके बाद है जो आप कार्यविधि में, जैसे टेम्परेचर, दाब, आर्द्रता, जैसे आपको किसी चीज़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नापना है, मेजर करना है, और वहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा 25 तो आप 30 पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका गलत आ सकता है। और व्यक्तिगत त्रुटि होती है,
और ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है कि करना नहीं आया या कुछ गलती कर दी, तो वहाँ पे आपकी व्यक्तिगत त्रुटि कह जाएगी। उसके बाद देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर आपका किसी भी कारण से हो सकता है, ताप दाप या आदमी के कारण से कुछ भी हो सकता है। फिर देखते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसमें आपसे पूछा जाता है साधारण पैमाने का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। वन ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है आपका 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का होता है आपका 0.001 सेंटीमीटर। ये पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। उसके बाद देखते हैं आकलन। जैसे अगर आपके यहाँ से क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि निकाली जाती है वो निकाली जाती है वास्तविक मान माइनस मापित मान। इसका भी न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, अभी फार्मूला देख लीजिए आप। और मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि वो निकाली जाती है, निरपेक्ष त्रुटि के प्रत्येक प्रेक्षकों का योग बट्टा प्रेक्षकों की कुल संख्या। ये भी अभी देखेंगे क्वेश्चन में। अपेक्षित या भिन्नात्मक त्रुटि आपकी होती है जो निरपेक्ष त्रुटि बट्टा माध्यमान। आपने निरपेक्ष त्रुटि यहाँ से निकाल ली और माध्यमान नीचे वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, वो दोनों निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। वास्तविक मान आपका 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका जो मापित मान है वो 14.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाता है कि निरपेक्ष त्रुटि याद कीजिए। आपको पता है कि निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला है आपका वास्तविक मान माइनस मापित मान, तो आपका वास्तविक मान क्या था 17 था और मापित मान आपका 14। तो अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मान आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और मापित मान दिया हुआ है आपका 18, 17, 15, 18, 16, 19। इसका मतलब है ये लिखा रहेगा क्वेश्चन आपका जिस हिसाब से रहेगा, ये मैंने अपने मन से दिया हुआ है आपको, तो उसमें लिखा रहेगा कि एक स्केल का वास्तविक मान आपका 20 सेंटीमीटर है और उसको अगर हम 6 बार मापते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है, एक बार 18, एक बार 17, एक बार 15, एक बार 18, फिर एक बार 16, फिर एक बार 19 दिया जाता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। तो आप देखिए निरपेक्ष त्रुटि हमने अभी निकाल रखा है, जो वास्तविक मान है और मापित मान है उसको माइनस करेंगे, तो आपका निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी, पहले 18 के लिए निकलेगी 2 सेंटीमीटर, 17 के लिए 3 सेंटीमीटर, 15 के लिए 5 सेंटीमीटर, 18 के लिए 2 सेंटीमीटर, 16 के लिए 4 सेंटीमीटर और 19 के लिए 1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो कुल निरपेक्ष त्रुटि होगी, जो आपका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था आपका कि निरपेक्ष त्रुटि के प्रत्येक प्रेक्षकों का योग, तो उसमें आपको ऊपर सब ऐड करना है और प्रेक्षकों की कुल संख्या। तो देखिए हम कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या, इसको जोड़ेंगे 2+3+5+2+4+1 करेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा। और जो प्रेक्षकों की कुल संख्या है, मतलब हमने कितने बार वो टेस्ट किया हुआ है, तो हमने 6 बार किया हुआ है, एक बार 18, एक बार 17, एक बार 15, इस टाइप से हमने 6 बार किया है, तो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी 17/6। ऊपर हमारा 17 आ गया, कुल निरपेक्ष त्रुटि 17 निकाला, प्रेक्षकों की कुल संख्या हमने 6 बार किया था, तो 2.83 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम ऐसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जैसे अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां आपकी दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, और यहाँ पे आई का मतलब है करंट, टी का मतलब है टाइम, ऊर्जा, और पी का मतलब है पावर, दाब, फ्रीक्वेंसी, आवेश, उष्मा, विभव, विशिष्ट उष्मा। ये आपकी अदिश राशियां हैं। इनमें से आप अदिश या सदिश में से एक को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। अगर आपका एक आपको अदिश राशि याद है तो वहाँ से आप, अगर उसमें अदिश नहीं दिया हुआ है तो आप सदिश वहाँ से अपने आप ही आइडिया कर सकते हैं। और सदिश राशियों में आता है विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, बलागुण, कोणीय वेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी चुंबकीय आगुण हो गया, विद्युत तीव्रता होगी इत्यादि। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवेग का क्या फॉर्मूला है, तो फोर्स इंटू टाइम, उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन सेकेंड। वैसे संवेग का देखा जाएगा तो संवेग होगी आपके m into v न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक फुट बराबर आपका होता है 0.3048 मीटर, और एक गैलन बराबर होता है आपका 3.785 मीटर। और कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467×10^15 मीटर, अगर किलोमीटर में देखें तो 10^13 हो जाएगा। एक au होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो 1.496×10^11 मीटर होता है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 या 3.26 प्रकाश वर्ष। और जो अश्व शक्ति होता है आपका, वो है पावर का यूनिट है, एक बड़ा मात्रक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है आपकी पास्कल, और सबसे छोटी होती है वो आपकी होती है फर्मी, जो आपकी 10^-15 होती है, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। तो जिसने पहले की फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख ले, लिंक